और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इसराइल ने एक बार फिर से हिजबुल्ला को धमकी दी है। इसराइल के सेना प्रमुख ने हिजबुल्ला पर अब तक हुए हमले को सिर्फ ट्रेलर बताया है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी नेतन्याहू से बदला लेने की शुरुआत कर दी है। क्या कुछ है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। इज़राइल का साइबर युद्ध, जल जाएगा सारा लेबनान। जिसे हाथ लगाएगा हिजबुल्ला वो बन जाएगा बारूदी बम। नेतन्याहू की यूनिट 8200 सबसे बड़ा हमला अब होगा। नेतन्याहू की गिरफ्त में खामनेई का सुपारी किलर। ये युद्ध इसराइल में हमास के नरसंहार से शुरू हुआ था। हमास से इसराइल ने बदला लेना शुरू किया तो बम बारूद के धमाके होने लगे। फिर इसमें ईरान समर्थक हिजबुल्ला और हूती भी शामिल हो गए। इसराइल के दुश्मनों ने रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए। जवाब में इसराइल ने जंगी जेट के साथ फाइटर ड्रोन भी इस्तेमाल किए। लेकिन पारंपरिक हथियारों से शुरू हुआ युद्ध अब सबसे भयानक और भीषण हथियारों के दौर में पहुंच गया है। यह आधुनिक दौर का सबसे भयानक और भीषण साइबर वॉर है, जिसमें हिजबुल्ला लड़ाके बेमौत मारे जा रहे हैं, वो भी बिना सीधे हमले के। इसराइल सेना की यूनिट नंबर 8200 ने ये बारूदी बिसात बिछाई है, जिससे हिजबुल्ला, हमास और हूती ही नहीं ईरान की भी हेक कर दी। इसराइल के हमले की धार देखिए, ताबड़तोड़ और अंधाधुंध अटैक का तूफान आया हुआ है। पेजर बम धमाके में मारे गए हिजबुल्ला कमांडर के जनाजे का ये दृश्य देखिए। अपने लड़के का मातम मना रहे नसरुल्ला के फाइटर्स को अंदाजा भी नहीं था। इस जनाजे में भी डेथ ट्रैप बिछाया गया। एम्बुलेंस के करीब भारी भीड़ के बीच जब ब्लास्ट हुआ तो तहलका मच गया। इसराइल ने 3 दिन में 3 डिवाइस के इस्तेमाल से हिजबुल्ला लड़ाकों को मौत पाटी। लेबनान में 3 दिन में धमाकों के 3 तरीके। पहला हमला मंगलवार 17 सितंबर को करीब 3000 पेजर में ब्लास्ट से हुआ, जिसमें हिजबुल्ला के 12 लड़ाके हलाक हुए और करीब 3000 घायल हुए। दूसरा हमला बुधवार 18 सितंबर को हिजबुल्ला फाइटर्स के वॉकी टॉकी में धमाकों के साथ हुआ। इसमें नसरुल्ला ब्रिगेड के 20 फाइटर्स मारे गए और करीब 450 घायल हुए। लेबनान में तीसरा हमला गुरुवार 19 सितंबर को सोलर सिस्टम में धमाके के साथ शुरू हुआ है, जिसमें 6 के घायल होने की जानकारी है। हिजबुल्ला फाइटर बैटरी से चलने वाली जिस भी डिवाइस को छू रहे हैं वो जोरदार धमाके से उनके चीथड़े उड़ा दे रही है। डिवाइस ब्लास्ट से बचने वाले हिजबुल्ला फाइटर्स को नेतन्याहू के आसमानी योद्धा मिट्टी में मिला रहे हैं। آخر رقم عند وزارة الصحة بخصوص الشهداء اللي سقطوا باعتداءات البارحة كانت 25 شهيد. نحن حتى الآن في عنا 25 شهيد. الرقم اللي كنا أصدرناه مبارح بالليل آخر واحد كان 20، نحن الرقم اللي هلأ عنا 25 شهيد. إسرائيل ديفنس فورس نے لبنان کے 6 شہروں میں بارودی زلزلہ لا دیا ہے. इसराइल एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान के चिहने, तैबे, बिलिडा, मीसल जबल, एतरॉन और कफरकेला इलाके को धुआं धुआं कर दिया है। इसराइल के आर्मी चीफ ने दावा किया है कि हिजबुल्ला पर हमले का ये सिर्फ ट्रेलर भर है। पूरी पिक्चर का क्लाइमेक्स हिजबुल्ला और नसरुल्ला के खात्मे से शुरू होगा। ईरान समर्थित जितने भी फाइटर ग्रुप हैं, इसराइल उन सब से गिन गिन कर बदला लेने के लिए तैयार है। इसराइली सेना प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी ने यह भी दावा किया है कि इसराइली हमले के कई खौफनाक तरीके अब भी आजमाए जाने बाकी हैं। אנחנו מאוד נחושים לייצר את התנאים הביטחוניים שמחזירים את התושבים לבתים, ליישובים,
ברמת ביטחון גבוהה, ואנחנו מוכנים לעשות באמת כל מה שנדרש כדי להביא את הדברים האלה. אנחנו כמעט שנה, לאורך כל המלחמה, נלחמים בעזה שתי מטרות מרכזיות, יש עוד. פירוק החמאס, השבת החטופים. इजराइल ने ठान लिया है कि वो हिजबुल्ला को जड़ से खत्म करके ही चैन की सांस लेगा और इसके लिए अब उसकी एक खतरनाक यूनिट वॉर जोन में उतर गई है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल ने हिजबुल्ला को जड़ से खत्म करने का वॉर प्लान बना लिया है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना के नॉर्दर्न कमांड ने ताबड़तोड़ हमले कर नसरल्ला आर्मी को उलझाए रखने की रणनीति आजमाई है। वहीं हिजबुल्ला पर डायरेक्ट अटैक का मिशन इजराइल के सबसे खूंखार सोल्जर कहे जाने वाली यूनिट 8200 से वॉर जोन में उतार दिए गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल के सीक्रेट एजेंट्स ने जो यूनिट 8200 में शामिल है, उन्होंने बीते तीन दिन में नसरल्ला और ईरान को सदमे में ला दिया है। नेतन्याहू के ये किलर एजेंट इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हिस्सा नहीं है। यूनिट 8200 के मेंबर इजराइल की सेना के सबसे तेज और खूंखार कमांडर हैं। इस यूनिट में खास सैनिकों की भर्ती होती है जिनकी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की भी होती है। यूनिट 8200 का इजरायली सेना से लेना देना नहीं है, ना ही ये एजेंट मुसाद के लिए काम करते हैं। यूनिट 8200 के एजेंट दुश्मन पर लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद हमले की प्लानिंग करते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूनिट 8200 सीधे नेतन्याहू को रिपोर्ट करती है। हिजबुल्ला को दहलाने के लिए यूनिट 8200 के एजेंट्स ने ऐसी प्लानिंग की जिसकी कल्पना भी नसरल्ला और खामनेई ने नहीं की थी। यूनिट 8200 ने पता लगाया कि हिजबुल्ला लड़ाके पेजर और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल के जरिए ही आपस में बात करते हैं, जिसे यूनिट 8200 ने बम में बदल दिया। दुश्मन की सोच जहां खत्म होती है, इसराइल की यूनिट 8200 के एजेंट वहीं से उनकी तबाही की स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता है। तबाही ऐसी जिसे देख दुनिया दहल जाए। हिजबुल्ला सीरियल डिवाइस अटैक से दहल रहा है, जिसकी अगली कड़ी में बैटरी से चलने वाली कई चीजें इजराइल का बारूदी हथियार बन सकती है। पेजर बम, वॉकी टॉकी बम, सोलर बम, रेडियो बम, गाड़ी बम, मोटरसाइकिल बम, रिमोट बम। लेबनान में हो रहे वॉकी टॉकी ब्लास्ट पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये सुनिए। ये नॉर्मल वॉकी टॉकी है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। इस वॉकी टॉकी के अंदर जो भी बैटरीज हैं या फिर जो फ्रिक्वेंसी मैच करने वाली जो मशीन है, वो सब निकाल के इसमें रखी हुई हैं। अब वॉकी टॉकी में अगर ब्लास्ट करना है तो दो तरीके होते हैं, वो हम फ्रिक्वेंसी एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से ये वायर है, इसमें सब कुछ अटैच किया हुआ है, ये वॉकी टॉकी की बैटरी है और ये बारूद यहाँ पे लगाया गया है। अगर ये वॉकी टॉकी को इस्तेमाल कर रहा है तो अगर बारूद के ज़रिए धमाका करना है इस वॉकी टॉकी में, तो इसमें ये बारूद इंस्टॉल किया जाता है और सामने वाला जो वॉकी टॉकी को इस्तेमाल कर रहा है उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता है कि उसके वॉकी टॉकी में बारूद है और किस तरीके से एक डेटोनेटर की तरह से ये बैटरी हीट होती है, आग निकलती है और जो ये बारूद मैंने आपको दिखाया वो किस तरीके से ब्लास्ट होता है। ये सिर्फ हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा बारूद जो दिवाली में हम पटाखा यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उसमें अलग तरीके का बारूद डालते हैं ताकि वो एक्सप्लोजिव हो और लोगों की जान चली जाए। लेबनान में बचे बारूदी कोहराम में इसराइल ने अपने रोल की अब तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन नेतन्याहू आर्मी ने ये साफ किया है कि ईरान को जवाब देने का वक्त करीब है, क्योंकि इसराइल डिफेंस फोर्स के हत्थे खामनेई का सुपारी किलर चढ़ा है। इसराइल का नागरिक ईरान के लिए तेल अवीव में नेतन्याहू की सुपारी लेकर काम कर रहा था। जिस डबल एजेंट को IDF ने दबोचा है उसकी डिटेल ये है। 73 साल का मोती ममन इसराइल के अश्कलोन का रहने वाला है। मोती ममन कारोबारी बनकर तुर्की में लंबे वक्त तक रह चुका है। हेनरी फारूक असलान और जुनेद असलान नाम के तुर्की के नागरिकों ने मोती ममन की मुलाकात ईरान के कारोबारी एडी से करवाई थी। तुर्की में ही मोती ममन को ईरानी एजेंट्स ने इसराइल के खिलाफ भड़काया और नेतन्याहू की सुपारी दी गई। मोती ममन को जो मर्डर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसमें नेतन्याहू के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और कई हाई प्रोफाइल नाम शामिल हैं।
אירוע שמציב רף חדש של חומרה ושל תעוזה שכמו לא הכרנו. אנחנו מדברים על ישראלי שבזמן מלחמה, בעת הכי קשה של מדינת ישראל, נכנס לתוך איראן, מקיים ישיבה עם גורמי מודיעין איראנים, והם מציעים לו לא פחות מלחסל גורמים בכירים במדינת ישראל, את ראש הממשלה בנימין נתניהו, את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, את ראש השבק ובכירים נוספים, והכל תמורת סכומי כסף גבוהים, פעילות נחושה ומהירה. ایران اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے یہ اوپن اعلان کیا ہے کہ حماس کے پورے چیف کے ہتھیاروں کو نہیں بخشا جائے گا لیکن ایران اب تک اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا ہے وہیں حماس اسرائیل سے اب تک یدھ میں ملی مار کا حساب چکانا چاہتا ہے جبکہ اس کی بھی جم کر پٹائی جاری ہے ادھر حزب اللہ حماس کے لیے یدھ میں اترا لیکن اب اس کے صفائے کا خطرہ منڈرا رہا ہے इजराइल अकेले सभी दुश्मनों पर भारी पड़ रहा है चार फ्रंट पर नेतन्याहू दुश्मनों को दहला रहे हैं लेकिन डिवाइस ब्लास्ट भर से ईरान को हरा पाना मुमकिन है ईरान की साइबर आर्मी भी बेहद ताकतवर मानी जाती है ईरान ने अब तक साइबर अटैक शुरू नहीं किए हैं ईरान समर्थित खूंखार फाइटर्स ने साइबर युद्ध शुरू किया तो इजराइल का बचना मुश्किल है सुपर पावर अमेरिका के युद्ध में आने की यही एक मजबूरी भी होगी लेबनान में हिजबुल्ला सरगना हसन नसरला ने अपने जहरीले भाषणों से एक बार फिर बड़ी तबाही मोल ले ली है पेजर और वॉकी टॉकी धमाके के बाद जब नसरला पहली बार टीवी पर बोलने आए तभी इजराइल ने जंगी जेट से बम बरसाना शुरू कर दिया लेबनान के कई इलाकों में इजराइल के जंगी जेट उड़ान भर रहे हैं तो क्या हिजबुल्ला 72 मिलिशिया ग्रुप के साथ मिलकर नेतन्याहू से युद्ध शुरू करने जा रहा है देखिए स्पेशल रिपोर्ट कब्रिस्तान बनने का सायरन बज गया है वजह है ये इजराइल में हिजबुल्ला के रॉकेट इंसानी बस्तियों में गिरे हैं ما حصل يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء يوم الثلاثاء يعني انا بس بدي اوصف اختصار كمدخل ولا معروف لكم صار تم استهداف من قبل العدو الاسرائيلي تم استهداف الاف اجهزه البيجه وتم تفجيرها في وقت واحد اسرائیل میں نیتنیاہو کے آلوچک دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس یدھ میں سب سے بڑا نقصان اسرائیل کا ہی ہوگا کیونکہ حزب اللہ کی ملٹری ونگ خامنئی کے بچھائے بارودی دلدل میں نیتنیاہو کو تیزی سے کھینچ رہی ہے غازہ یدھ میں الجھے نیتنیاہو کو خامنئی کے پلان کے حساب سے حزب اللہ چیف نصر اللہ لبنان فرنٹ پر الجھانے کی کوشش میں جٹا ہے جس میں یمن کے ہوتی ودروہی لڑاکوں کے ٹاپ کمانڈر عبد الملک ہوتی پوری طرح سے مدد کر رہا ہے ان تین فرنٹ پر آر پار کا یدھ شروع ہوا تو اسرائیل کو گھیرنا آسان ہوگا جس کے بعد چوتھا فرنٹ ایران کھول کر اسرائیل سے اسماعیل ہانیہ کی موت کا حساب برابر کرے گا خامنئی بس اسی دن کے انتظار میں شانت بیٹھے ہیں کہ اسرائیل لبنان میں اپنی سینہ اتار دے اگر یہ بارودی بیٹل گراؤنڈ دھدکنے لگا
तो इसराइल चार दुश्मनों से एक साथ युद्ध करने को मजबूर हो जाएगा। हिजबुल्ला ने रॉकेट फोर्स के साथ फाइटर ड्रोन भी जुटा लिए हैं। हिजबुल्ला लड़ाके इसराइल में कहां तक मार कर सकते हैं? क्या हिजबुल्ला लड़ाके अपने दम से नेतन्याहू पर भारी पड़ सकते हैं? आखिर हिजबुल्ला का वॉर प्लान क्या है, ये जानिए। उससे पहले इस युद्ध के मास्टरमाइंड का गेम भी समझ लीजिए। हिजबुल्ला लड़ाकों की वफादारी किसके लिए है ये भी जान लीजिए। हिजबुल्ला ईरान समर्थित लड़ाका गुट है, लेकिन ये समर्थन सिर्फ हथियार और फंडिंग तक सीमित नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ही अघोषित तौर पर इन शिया मुस्लिम फाइटर्स के टॉप कमांडर भी हैं। अला असलहा जदीदा, طبعا ما حقولش الاسلحه الجديده هاي بتبين بالميدان وقت اللي بيتاخذ او بتبين